अब मुद्दे पे आते हैं, फिलॉसफी ऑफ क्या सांख्य। ठीक, अब हम आ रहे हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। सही है, मैंने बताया आपको दर्शन में तीन चीज पढ़ना है अपने, एक मेटाफिजिक्स है ना, द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, या तो पढ़ेंगे आपका ज्ञान मीमांसा या पढ़ेंगे क्या आचार। हमारे सिलेबस में जो सीजीपीएससी का, उसमें सिर्फ आपको इसका मेटाफिजिक्स पढ़ना है, यानी इसका क्या तत्व मीमांसा। क्लियर है, उन दो को नहीं पढ़ेंगे जितना सिलेबस में हम उत्तर जा रहे हैं। सही है, हाँ, जहां पर तीनों पढ़ देना पढ़ेंगे चार बार, तो चार बार का तीनों पढ़ना है आपको। तत्व मीमांसा भी दिया हुआ है, ज्ञान भी है, और साथ में क्या है आचार, तो सबसे बड़ा जाएगा वो आपके लिए। तो सीजीपीएससी का जो सिलेबस है वो बकायदा टॉपिक के बाद में ब्रैकेट में उसने सब टॉपिक को मेंशन कर रखा है। सिलेबस लाया है कोई, मोबाइल में होगा आपके, एक बार निकालिए। नहीं नहीं, मुझे ये जड़ जन लोग घूम रहे हैं इसके अंदर। हाँ, तो आप पहले आइए इंडियन फिलॉसफी में, शुरू में वो आपका वो आत्मा को दिया हुआ है, वो वेद वेद, उसको होते हुए आप आइए इंडियन फिलॉसफी पे। शुरू के तीन चार लाइन के बाद होगा वो सांख्य, कहीं लिखा मिल रहा है आपको, कहीं तो होगा जहां पर सांख्य दर्शन लिखा है, मिल गया कहीं पर। उसके बगल में वो चार टॉपिक लिखा है, प्रकृति एवं पुरुष एवं विकासवाद, क्या ऐसा लिखा है, है? है ना, विकासवाद है, सत्कार्यवाद है। तो आप देखिए, आप चार टॉपिक है, प्रकृति एवं पुरुष लिखा है, विकासवाद है और सत्कार्यवाद है। यानी उसने पीएससी ने बता दिया कि आपको सांख्य दर्शन में चार टॉपिक पढ़ने, राइट, प्रकृति एवं पुरुष बताऊं क्या है वो, सत्कार्यवाद, और साथ में एक वर्ड है वहां पर क्या, विकासवाद। ठीक है, तो आपको उसके आगे नहीं जाना है, क्लियर। ठीक, हाँ, यूपीएससी ऑप्शन होता था, वो तीनों को हम टॉपिक डालते नहीं, हम पहले पढ़ते तत्व मीमांसा। ठीक है, पर हमको पढ़ना है बेसिकली तत्व मीमांसा ही, और उसी में वो सारे जो वर्ड्स अभी आपने मुझे बताए वो अपने आप आएंगे, राइट। चलिए, अब वापस रख दीजिए उसको। तो आप अपनी कॉपी में जब घर जाकर लिखेंगे ना, तो आप टॉपिक डालेंगे ऐसा कि हम सांख्य दर्शन का क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप प्रकृति पुरुष मारी बोली। ठीक है, वो सारे वर्ड्स मैं खुद ले आऊंगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, तत्वांसा। अभी मैंने क्लियर किया था, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे, राइट। जैसे साइंस बताता है कि एटम था के बोला, क्योंकि वो फिर वो चेंज हो गया ना, तो ऐसे ही ये भी आपको बताएगा कि फाइनली हम और आप बने किससे हैं, राइट। और अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी ये डुअलिस्टिक है, ये वर्ड काफी आता है ऐसा, कभी नाम सुना ऐसा कुछ, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ऐसे कुछ वर्ड हमने कहीं ना सुने लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। डुअलिस्टिक या द्वैतवादी कहते, तो एक से अधिक दो होते, ठीक। यहां पर सांख्य करेगा, ठीक, वो दो तत्वों को मानेगा, ठीक, कि दो ही वास्तविक तत्व है, द अल्टीमेट रियलिटी, वो दो को मानता है। तो जो दो को मानते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्या, द्वैतवादी। जो दो की जगह एक मानते हैं तो आ लगा दो, ठीक है। फिलहाल वो आप बाद में आएंगे, फिलहाल यहां पर लिखा हुआ है क्या, द्वैतवादी, दुरिस्टिक नेचर, दैट मीन सांख्य मानता है कि इस पूरी दुनिया को, दुनिया जो बनी है उसके लिए जिम्मेदार है तत्व दो। तो दो तत्व लेके आएगा वो, और वो दो तत्व ही आपके टॉपिक है। द फर्स्ट एंड द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज प्रकृति, ठीक है। और एक वर्ड लेके आएगा वो है क्या, आपका पुरुष। और अभी अभी आपने सिलेबस देखा,
उस सिलेबस में दो वर्ड लिखे थे क्या, प्रकृति एवं क्या पुरुष। तो एक्चुअल में आप पढ़ रहे हैं सांख्य का क्या, तत्व मीमांसा। तो अकॉर्डिंग टू सांख्य उसका यह मानना है कि पूरी दुनिया चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, वो सब बने हैं दो रियलिटी से, राइट। उनमें से एक है क्या प्रकृति और एक है क्या आपका पुरुष, क्लियर। इनमें से भी सांख्य ये कहेगा कि पूरी दुनिया जिससे बनी है उस वो एलिमेंट है कौन, प्रकृति, और उसमें एक सहायक की भूमिका में वो कौन है आपका, यानी ओवरऑल सांख्य के अनुसार हम और आप सब के सब जिस एलिमेंट से बने हैं, जिस तत्व से बने हैं, उस पहले तत्व का नाम है क्या, प्रकृति। तो अब यहां पर जानने का हम प्रयास करेंगे कि प्रकृति क्या है, सही है। वैसे ही हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका पुरुष। तो आपके दो क्वेश्चन निपट जाएंगे, प्रकृति क्या है उसकी प्रमुख विशेषताएं, सेम हियर क्या पुरुष क्या है उसकी क्या विशेषताएं, फिर दोनों में अंतर प्रकृति और क्या पुरुष। तो दो नंबर और चार नंबर के प्रश्न आपके बनेंगे, पर फाइनली हम प्रकृति पुरुष नहीं, हम पढ़ रहे हैं सांख्य का क्या, तत्वमीमांसा। यानी फाइनली आपको मैं ले जाऊंगा कि ये जगत बना कैसे, क्लियर। तो ड्यूलिस्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि तो इसमें एक तत्व को नहीं, कितने को माना है, दो, एक है प्रकृति और एक है क्या पुरुष। थोड़ा सा टफ है ना, ट्राई करिएगा इसको क्या समझने का, ठीक है। और एक चीज और सिखा देता हूं आपको मैं कि फिलॉसफी में एक्सपेरिमेंट नहीं होते, ठीक है। मुझे कोई चीज प्रूफ करना होगा तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, ठीक है। विज्ञान की तरह हमारे पास कोई प्रयोगशाला नहीं जहां पर हम सिद्ध कर पाए, क्लियर है। तो यहां पर होते हैं बच्चों आर्गुमेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं तर्क। यानी किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए हम उसके पीछे क्या देते हैं, तर्क देते हैं, लॉजिक, राइट। इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स, सही है। जैसे कि मैंने कहा कि ईश्वर है, तो इस क्लास में दो लोग होंगे ऐसे जो ईश्वर को मानते होंगे, एक, सही है, और एक जो ईश्वर को नहीं मानते। तो जो ईश्वर को मानता है वो उसके समर्थन में क्या देगा, तर्क, सही ना। सिद्ध तो वो भी नहीं कर सकता, और जो नहीं मानता वो भी नहीं मानने के पीछे क्या देगा, वो तर्क, सही है। कोई मशीन नहीं है जो बता पाए कि भगवान है कि नहीं। तो फिलॉसफी में हर चीज को हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, राइट। हम सिर्फ उसे सिद्ध करेंगे किसके थ्रू, कुछ लॉजिक, सही है। अगर ईश्वर वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया आपको, चलो मैं आपको देता हूं थोड़ा वाला एग्जाम्पल, लिखो, ठीक है। इसको लिखना नहीं ना परीक्षा में, है ना। सड़ा एग्जाम्पल मतलब एकदम घटिया वाला, तो भारी डिमांड पर हम बात करें, टाइम भी हो ही रहा होगा, तो 7 बजने वाला है। तो देखिए, हाँ क्लास खत्म होते होते तो सूर्य अस्त हो चुका होगा, हाँ ठीक है। तो अगर हम इसको आप समझिएगा कि मैं लॉजिक वाली जो बात कर रहा था, सेम को समझिएगा कि फिलॉसफी काम किस पे करता है, राइट। अब जो शराब पीते हैं, पीते होंगे लोग, अब आप उनसे पीछे पूछेंगे क्यों पीते हैं, वो उसकी अच्छाई के 10 कह देंगे तर्क। ये तो लिखना नहीं है इसको, इससे नींद बढ़िया आती है, थकान मिट जाती है, अपनी बीवी खूबसूरत दिखाई देती है, ऐसे ही इसको आती है। वो 5-6 कह देगा आपको, और वो सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि वो टॉनिक है, जहर। तो आप उसके पास बैठे लगेगा बात बस, इसने वाइन के भी गुण बता दिए, तो वो क्योंकि वो पी रहा है ना, तो वो उसके समर्थन में क्या दे रहा है, तर्क। लॉजिक राइट और रॉन्ग नहीं होते, वो सिर्फ लॉजिक होते हैं, सामने वाला कन्विंस हो गया, लॉजिक काम कर गया, सही है। और जो नहीं पीता, मेडिकल साइंस दुनिया जानती है उस नुकसान क्या है, वो सिर्फ आपको फिजिकली डैमेज नहीं, वो इकोनॉमिकली डैमेज भी करेगा, वो सोशली डैमेज, घर होंगे, डिवोर्स होगा, सही ना। तो देखो इसका मतलब वही एक चीज है, जो पी रहा है वो समर्थन में दे रहा है क्या, तर्क, जो नहीं पी रहा है वो उसके विरोध में देगा तर्क। तो सेम यही काम हम करेंगे किसमें, फिलॉसफी में, सिद्ध कोई नहीं कर पाएगा, राइट, सही है। तो कुछ चीजों का उत्तर कभी नहीं मिल पाएगा, हाँ ये कि जो मानेगा वो उसके समर्थन में देगा आर्गुमेंट्स, और जो नहीं मानेगा उसके अगेंस्ट में देगा, क्लियर। और घर जाकर आप मत बैठ जाना मैं नहीं मानता, जा मैं पहले मना किया हुआ आपको, मैं पूरे बच्चों को नाम और अटेंडेंस देख के जाऊंगा, कल से संख्या कम दिखाई दी, ठीक है। तो मोक्ष मिलेगा, एक बार पीएससी में सेलेक्ट हो जाइए, डीसी बन जाइए,
कि 20-30 साल के बाद सोचेंगे क्या मौज। अभी जीवन का पहला लक्ष्य है स्टेबिलिटी, परम लक्ष्य नहीं है, सही है। तो अभी फिलहाल तैयारी करिए, समझ आया उसको लिखना नहीं है, सही। तो आप देखो लॉजिक क्या है, आप यहां पर सांख्य लॉजिक देगा ठीक कि उसके अनुसार इस पूरी दुनिया का निर्माण एक तत्व से हुआ है और वो तत्व कौन है, प्रकृति। सर अभी आपने कहा दो है, नहीं नहीं दूसरा जो है ना वो उसकी सिद्ध करेगा सहायता, यानी हम और आप फाइनली बने हैं किससे, प्रकृति से, राइट। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है ये, साग। और इसको साबित करने के लिए वो क्या देगा आपको, आर्गुमेंट, तर्क देगा ठीक। तो पहले हम जानते हैं कि प्रकृति क्या है, राइट। तो सांग कहेगा कि ये इनविजिबल है, यानी ये आपको दिखाई, तो लो पहला तो वही पर डरा दिया उसने हमको कि जिससे बने वो नहीं पता कौन है, सही है। उसके पीछे वो लॉजिक देगा, तो पहले हम आते हैं प्रकृति पर, फिर हम डिफाइन करेंगे किसको, आपके पुरुष को, ठीक है। तो सांख्य क्यों लेके आ रहा है, देखिए एक बात समझे होंगे आप लोग कि जब हम एक वर्ड यूज करते हैं, समझिए फिलॉसफी में और साइंस में इवन हर सब्जेक्ट में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉशन, अर्थात कार्य कारण क्या सिद्धांत, जानते क्या है ये। अरे जैसे ग्लास है तो ये किससे बना, ढूंढते हो ना, तो अगर कार्य है तो उसका क्या होगा, कारण, हाँ कि ना, सही ना। जैसे भाई जैसे आपका नाम सुरेश है, सही है, तो आपके कार्य आपके पेरेंट्स होंगे, सही है। अब इनके भी इनके पेरेंट्स होंगे, अरे सही ना। ऐसा करते करते आदम हवा पहुंच जाओगे, सही। अगर आप कारण कार्य के क्या ढूंढते हो, कारण, तो उस कारण का भी क्या होगा फिर, कारण। ऐसा करते करते आप कहां पहुंच गए, इनफाइनाइट में, सही है। तो इन्फिनिटी पहुंच जाओगे, तो कहीं ना कहीं तो रुकना होगा ना आपको, तो सांख्य रुकेगा आपको, और सांख्य रुकेगा ये कहकर कि उसके अकॉर्डिंग दुनिया हर चीज किससे बनी है, समझे। तो प्रकृति पूरी दुनिया का क्या है, कारण, राइट। पर खुद अनकॉसेज है, मतलब कोई उसका कारण नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो देखो क्या समस्या होती, तो फिर हम प्रकृति का भी क्या ढूंढते, सही ना, कि कारण का भी क्या होता है, और ऐसा करते करते कहां पहुंच जाते, तो किसी एक एंड से तो रोकना पड़ेगा मेरे को। तो सांख्य ने आपको एक एंड से रोक दिया, ये कहकर कि प्रकृति द फर्स्ट एंड द मेन एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि ये प्रकृति इस संसार का प्रथम और प्रधान तत्व है। प्रथम और प्रधान का मतलब यह है कि यह सबका तो कारण है, पर कोई इसका कारण नहीं, यानी प्री एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति, राइट। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, अगर ऐसा नहीं बोलता तो हम प्रकृति के भी क्या ढूंढते फिर, और फिर कारण क्या आता, कारण, तो हम इस एंड से कहां पहुंच जाते, इनफाइनाइट। तो मुझे एक एंड से रोकना है ताकि दूसरे एंड से मैं इस जगत की व्याख्या कर पाऊं, समझाया। इस तर्क के साथ ये एज्यूम, ये सांख्य ने मान लिया कि प्रकृति दैट्स द एंड, राइट, इसके पीछे कुछ नहीं। तो प्रकृति, तो सर ये आया कहां से, थोड़ा सा अगर हिंदी जाने अपन, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, अगर संस्कृत मार देते हैं अपन, ये प्राक है और ये कृति है। प्राक मतलब होता है पहले, कृति मतलब होता है एग्जिस्टेंस, प्री एग्जिस्टेंस, अर्थात इस जगत में पहले से है कौन, प्रकृति, क्लियर। और प्रकृति वो है जिससे ये पूरा का पूरा जगत बना है, यानी पूरे जगत का कारण किसको माना गया है, प्रकृति को, पर कोई उसका कारण नहीं। कोई आपसे पूछे कि ऐसा सांख्य ने क्यों एज्यूम किया, तो बताइएगा, अगर ऐसा नहीं करता तो हम प्रकृति का भी क्या ढूंढते, उस कारण क्या निकालते रहते, कारण, ऐसा करते करते हम कहां पहुंच जाते, इस इंफिनिटी से बचने के लिए हमने ये मान लिया कि प्रकृति पहले से है, राइट, वो समस्त चीजों का कारण है, तो कोई उसका कारण है।
बात समझ आई? और ऐसा करके वो प्रकृति के माध्यम से सांख्य आपको इस पूरे जगत की क्या कर देगा, वो व्याख्या। क्लियर? तो प्रकृति का मीनिंग क्या है? प्राकृति, प्री एग्जिस्टेंस, मतलब वो पहले से है, सही है, कोई उसका कारण नहीं। हाँ, पर जितनी चीजें हैं जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है उन सब का अल्टीमेट कॉज वो कौन है? आपका प्रकृति। ये नेचर नहीं है ना, ये प्रकृति प्राक प्लस क्या बना हुआ आपका कृति से। यहां तो समझ आया? और आप बताइएगा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर हम प्रकृति क्या ढूंढते? कारण। और फिर हम घूम जाते कहां जाकर? इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये मान लिया उसने, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये है कि सांख्य के अकॉर्डिंग ये पूरा जगत जिससे बना है उसका नाम है क्या? प्रकृति। इसका मतलब प्रकृति समस्त चीजों का क्या है? कारण। पर कोई उसका कारण नहीं है। ये वाला समझ आया आपको? लिखते कैसे वो भी सिखाऊंगा, पहले आप समझ तो ले, ठीक। फिर सांख्य ये डिफाइन करता कि जो प्रकृति है, समझेगा बात को ना, वो कैसी है? जड़। समझेगा बात को? वो कहता है कि जो प्रकृति है वो क्या है आपकी जड़। कुछ देर पहले पहाड़ था मैं आपको कि जड़ का मतलब निर्जीव नहीं है, जड़ का मतलब यह है कि वह एक्टिव हो सकता है या फिलहाल वह एक्टिव नहीं है, सही है। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, साम्यावस्था, सही। तो अब देखिए, अब मामला फंसा कैसे कि उसने यह मान लिया कि पूरी दुनिया किससे बनी है? प्रकृति से। तो उसने प्रकृति को क्या मान लिया? जड़। जो खुद एक्टिव नहीं है तो फिर चीजों को प्रोड्यूस कैसे करेगी, है ना? कोई चीज अगर बनना है तो उसमें होना चाहिए क्या? सक्रियता। पर उसने तो प्रकृति को क्या मान लिया? जड़। जड़ का मतलब फिर क्या हो गया कि ये जो कुछ भी करेगा खुद ब खुद नहीं करेगा, इसलिए प्रकृति को नीड है एक ऐसे एलिमेंट की जो कॉन्शियस हो, जो चेतन हो। और आप जान गए कि दूसरा एलिमेंट, बात समझ आई? वो दो क्यों लेके आया? वो दो इसलिए लाया कि बनाना उसको हर चीज किससे है? प्रकृति से। तो यहां पर सांख ये डिफाइन करता है कि प्रकृति कैसी है? जड़। और जो जड़ है वो खुद से तो एक्टिव होगा नहीं, तो फिर चीजें उससे बनी कैसे? तो उस भूमिका में, उस रोल में होगा कौन? उस जो इसका सेकंड एलिमेंट है, जस्ट उल्टा है, ये है कॉन्शियस, अर्थात क्या है? ये चेतन। यही बच्चे स्प्रिट, यही सोल, यही आत्मा है। आत्मा, प्रेत आत्मा, हाँ, पुरुष। यहां पर पुरुष का मतलब मेल नहीं, आप पुरुष का मतलब आत्मा से है, ठीक है। चलो मारो गली। तो प्रकृति, तो देखो इंट्रोड्यूस कर दिया आपने उत्तर, है ना, एक बार हिंदी में अंग्रेजी में चलेगा, है ना। सांख्य के अनुसार इस जगत की उत्पत्ति उसके प्रधान एवं प्रथम तत्व प्रकृति से हुई है। प्रकृति का शाब्दिक अर्थ है जिसका अभिप्राय होता है पुरुष से विद्यमान, अर्थात प्रकृति का ना निर्माण होता है ना क्या विनाश, वो जगत में पुरुष से क्या है? विद्यमान, राइट। किंतु प्रकृति कैसी है? जड़। और जड़ से स्वतः विकास नहीं हो सकता, इसलिए एक अन्य तत्व की होगी आवश्यकता, जो क्या होगा? चेतन। और वो है हमारा छोटा चेतन, क्या नाम है उसका? Then introduce second element of क्या? सांख्य फिलोसफी। समझ आया? तो पुरुष से क्या करेगा? सिर्फ वो प्रकृति को एक्टिव करेगा, राइट। बनना जो कुछ भी है वो सब बनेगा किससे? प्रकृति। और ये मैं नहीं, ये कौन कह रहा है? सांख्य फिलोसफी। बात समझ आई? तो पहले आप इसका एक फ्रेम बनाए, फिर इसको कैसे लिखते हैं वो मैं सिखा दूंगा आपको। बस वर्डिंग का खेल है, सही है। तो सबसे पहले जब भी आप मेंस पढ़ें तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को जाने, है ना, उसमें लिखना क्या है ये जाने। रट्टा मारोगे तो ये ले डूबेगा आपको, सही है। और उसको लिखते कैसे मैं सिखा दूंगा आपको फिलहाल, तो क्लियर है। तो द्वैतवादी क्यों है? ये दो नंबर पे आया था क्योंकि एक नहीं, कितना मानता है? ये दो। अब मैं लिख दूं कि ये जड़ है और इसके बगल लिख दूं कि चेतन है, समझ जाओगे? और चेतन क्यों माना गया बच्चों? पढ़ाऊंगा अभी आपको मैं। पुरुष ही जो अन्य दर्शन में जो आत्मा है उससे ही सांख्य ने क्या माना है? पुरुष। और आत्मा मतलब कॉन्शियस, तो आत्मा यानी पुरुष का कार्य होगा कि जो प्रकृति साम्यावस्था में है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसे क्या करना? डिस्टर्ब करना,
है ना, जिससे खुद ब खुद अन्य चीजों का विकास होगा, किससे? तो सांख्य फिर क्लियर करता है कि यहां पर पुरुष की भूमिका क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की कौन सी अवस्था खत्म करना, जड़, यानी यही वो न्यूटन का फोर्स है, है ना, वो फोर्स लगाया कहानी खत्म, सही है। तो दो तत्व है, एक है कौन प्रकृति, एक है कौन पुरुष, इसलिए कहा जाता है इसे क्या, द्वैतवाद। पुरुष प्रकृति कैसी है, जड़, ठीक, और जड़ से खुद ब खुद तो विकास होगा नहीं, तो आपको आवश्यकता है एक चेतन एलिमेंट की, और वह चेतन तत्व क्या कहलाएगा, आपका पुरुष, और उसका काम सिर्फ इतना ही होगा कि वह प्रकृति को एक्टिव कर दे, और जो कुछ भी बनना है इन फ्यूचर वो सब बनेगा किससे, ये मैंने समझाया आपको यहां। प्रकृति समस्त जगत का क्या है, कारण, राइट, तो कोई उसका नहीं है क्या कारण, क्यों सर, अगर उसका भी कारण मान लिया जाए तो हम फिर कहां पहुंच जाएंगे, उससे बचने के लिए हमने ये मान लिया कि प्रकृति पहले से है, और जो कुछ भी डेवलप होगा, इवोल्यूशन होगा, वो सब किसके अंदर से होगा, प्रकृति से, बात समझ आई। पर ड्रॉबैक ये है सर कि प्रकृति चेतन नहीं है, वो क्या है आपका जड़, तो खुद ब खुद तो विकास होगा नहीं, तो उसे एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए हमें आवश्यकता होगी एक चेतन तत्व की, और उस रूप में इंट्रोड्यूस करता है किसको, पुरुष। तो कितने एलिमेंट हो गए, दो। ऐसा करते करते सांख्य आपको 25 तत्व पढ़ाएगा, कितने, इसलिए इसका नाम संख्या से सांख्य पढ़ा है, नंबर है इसमें, देयर आर 25 क्या एलिमेंट्स इन सांख्य फिलोसफी। अभी कितने पाए हैं, कितने बच गए, अरे आप कल दिखाई नहीं दिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप अल्टीमेट गोल अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होंगे। समझ आया, ठीक। तो अब मैं बोलता हूं कि प्रकृति की कुछ विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है प्रकृति प्रथम है, फर्स्ट एलिमेंट, ईश्वर, वो ईश्वर को नहीं मानता, और क्यों नहीं मानता वो बताऊंगा मैं, ठीक है। आत्मा को नहीं मानता, वो बौद्ध धर्म है, ठीक है, अनात्मवादी है वो, हाँ, पर जैन धर्म मानता था किसको, आत्मा, ये बता रहा था मैं, फिर इसीलिए कंफ्यूजन हो गया होगा। हाँ, तो प्रकृति की बात करते हैं विशेषताओं, है ना, पहला, बस मैं लिख रहा हूं, आप बताना कि आप सहमत हो कि नहीं सहमत, पहला है, और प्रधान मत तो सबसे प्रमुख है, सही ना, मतलब ये एयरलाइन है कि समस्त जगत का कारण है कौन, प्रकृति, पर कोई उसका नहीं है क्या कारण, तो इसको मैं आपके लिए लिखता हूं, जगत ऐसा एरो, ऊपर में क्या कारण, और इधर ले लेता हूं मैं क्या प्रकृति, समझ जाएंगे घर जाकर, हम नोट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं लिख रहे हैं, तो ये बताएगा कि जगत का कारण है कौन, प्रकृति, नीचे में एक एरो और मारना, सही है, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, कारण, और लिखना कटमट कटमट, समझोगे कि ये संपूर्ण जगत का तो कारण है पर कोई इसका कारण नहीं, सही, मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैं जो बोला उसी से मैं निकाल के रहा हूं विशेषता, क्या ये जड़ है, अनकॉन्शियस है। अब देखो एक बार, अब थोड़ा सा ना आंसर को भरने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, मैं लिख रहा हूं इंडिपेंडेंट है, ऑब्वियसली जो अकेला होता है वो हमेशा स्वतंत्र होता है, डिपेंडेंट नहीं होता, सही है, हम और आप कैसे हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं है, सही ना, प्रकृति पहले से है, पहले से इसका मतलब कि उस वो किसी और पर निर्भर नहीं, इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, अर्थात क्या है वो, स्वतंत्र है, बात समझ आई, बस ये तो बेसिकली इसकी तीन विशेषताएं हैं, पहला द फर्स्ट एंड मेन एलिमेंट है, सांख्य दर्शन में प्रथम है ये, दूसरा समस्त जगत की उत्पत्ति इसी से हुई है, यानी संपूर्ण जगत का कारण है कौन, प्रकृति, पर कोई इसका कारण नहीं,
और सबसे इंपॉर्टेंट जो सांख्य ने डिफाइन किया कि प्रकृति कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस है, चेतन नहीं, क्या है वो? जड़। और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका एग्जिस्टेंस, उसकी उत्पत्ति किसी और पर निर्भर नहीं करती। इसलिए प्योरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट, पूर्णतः स्वतंत्र है कौन? प्रकृति। ये है चार विशेषता है, दो नंबर पर ले सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन तैयार है, छोटा वाला। प्रकृति किसे कहते हैं? तो प्रकृति का अभिप्राय है प्राक प्लस कृति, अर्थात पूर्व से क्या विद्यमान। यह सांख्य दर्शन में प्रथम क्या है? तत्व। और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रकृति। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, द फर्स्ट एंड मेन एलिमेंट, अनकॉन्शियस है, मतलब सबका कारण है, कोई इसका कारण नहीं है, अनकॉन्शियस है, और क्या है आपका? इंडिपेंडेंट है, एब्सोल्यूट है, ये भी सकते हैं आप। क्लियर? ये कंप्लीट हुआ कितने नंबर पे आपके? दो नंबर आया है पीएससी में, कर लेंगे। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं, हम तो शुरू किए हैं क्या जगत की क्या उत्पत्ति, जिसमें हम लेके आए हैं हमारा पहला एलिमेंट, प्रथम तत्व, इसका नाम है क्या? प्रकृति। क्लियर? तो प्रकृति को क्या माना गया है? जड़ है, इसलिए खुद ब खुद उससे किसी भी चीज का विकास नहीं होगा। उसे डिस्टर्ब करने के लिए क्या चाहिए? चेतन। अब वो चेतन एलिमेंट कौन है? आपका पुरुष। अब पुरुष क्या है? तो जो फिलॉसफी में जो सोल है, आत्मा, उसी को सांख्य ने क्या माना है? आपका पुरुष। तो कोई वर्ड नया है तो मीनिंग वही है। क्लियर? जिसे हम दर्शन में आत्मा कहते हैं, उससे ही सांख्य ने क्या नाम दिया है? आपका पुरुष। उस पर थोड़ी देर में आते हैं, याद है? क्लियर? ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि पुरुष की क्या आवश्यकता है, तो आप बता पाएंगे? सर, आवश्यकता इसलिए क्योंकि प्रकृति से सब कुछ बनेगा। क्लियर है? तो प्रकृति को क्या माना गया है? जो जो खुद जड़ है, इसका मतलब वो खुद पर खुद तो कुछ बनाएगा नहीं, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा क्या? चेतन एलिमेंट। और इसलिए फिर सांख्य ने इंट्रोड्यूस किया उसका दूसरा तत्व, इसका नाम है क्या? आपका पुरुष। क्लियर? जगत की उत्पत्ति के दो आधार, एक प्रकृति और एक क्या? पुरुष। इसलिए से कहते हैं डुअलिस्टिक, अर्थात कौन सा वादी? द्वैतवादी। क्लियर? समझा? तो कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है, ठीक है? उसे तो पूरा व्याख्या करना है किसकी? इस जगत की। क्या था? क्लियर है? समझ आया कैसे लिखना है अपने को? ठीक। अब फिलॉसफी में एक वर्ड और आएगा, उसको भी ध्यान देना है आपको। क्या लिखा है मैंने? गुण, या इंग्लिश में कहते हैं क्या इसको? गुणस, है ना? इसको क्वालिटी या प्रॉपर्टी लिखना है ना। तो दर्शन यह मानता है कि तीन प्रकार के क्या होते हैं? गुण। तीन कैटेगरी है इसकी, सुने आप भी हैं इसको। क्या कोई ऐसा नाम सुना कभी लाइफ में? अच्छा, कभी सुना कि सात्विक भोजन करना चाहिए? अरे yes, सात्विक जीवन जीना चाहिए, ऐसा कुछ? yes, sir. तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म है सात्विक, वो बना है किससे? सत्व से। संस्कृत में पढ़े तमसो मा ज्योतिर्गम है, तो वो तमस वाला तमसो है, इसका मतलब होता था अंधकार। स्कूल स्कूल पढ़े हो ना? तो तीन गुण, चलो इसको एग्जांपल लेते हैं आपसे ही, ठीक है? आप मनुष्य हैं, स्वयं हो ना, हैं? तो आपके अंदर ये तीन गुण हैं, राइट? सत्व गुण, इसको रजोगुण बोलते हैं, यह रजस गुण है, और एक क्या लिखा है मैंने आपका? तमस। समझेगा, सत्व गुण ये पॉजिटिविटी का साइन है, यानी जीवन में सकारात्मक चीजें होती हैं, सिग्निफिकेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रतीक है ये, ठीक है? यानी जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है उसे वास्तविक ज्ञान मिलता है, जीवन में क्या होता है वो? सक्सेस। विद्वानी व्यक्ति बनता है, विवेकानंद बनता है, गांधी जी बनता है, एपीजे अब्दुल कलाम बनता है, सही है? तो ये पॉजिटिव है, कौन सा गुण है आपका? राइट।
और इसका जस्ट उल्टा है तीसरा वाला, कौन? तमस। ये अंधकार का प्रतीक है, डार्कनेस का। इसके रहने पर व्यक्ति में गलत गुण आते हैं, चोर डकैत बनता है, सही है? इसे कभी भी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं। और इन दोनों को एक्टिव करने के एज अ कैटलिस्ट वो काम करता है, कौन? रजस। किस प्रकार से कितने गुण होते हैं आपके? तीन। एक गुण है जो संबंधित है सकारात्मक ऊर्जा के लिए, जीवन में प्रकाश लाएगा ये, सही ज्ञान की क्या होगी? प्राप्ति, और आप एक महान व्यक्ति बनेंगे, सफल व्यक्ति बनेंगे। तमस इसका जस्ट क्या है आपका? अपोजिट। जीवन में अंधकार में होगा, डार्कनेस होगी, सही है? गलत ट्रैक पे जाओगे, अपराध करोगे, ऑफेंस करोगे, सही है? और इन दोनों को जो एक्टिव करता है वो हेल्प कराता है, कौन सा आपका? तो रजस एक्चुअल में गुण नहीं, इन दोनों को सक्रिय करने वाला एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। और तीनों के स्पेशल कलर होते हैं। सत्व का कलर होता है व्हाइट, ये होता है रेड, और ये होता है क्या आपका? ब्लैक। तो जब बात करते हैं हम किसी की सादगी की, बोलते ना सात्विक जीवन है उसका, तो इसको हम रिलेट करते हैं किससे? व्हाइट कलर से, राइट? अंधकार को हम दर्शाते हैं किससे? ब्लैक। और एनर्जी ऊर्जा को सदैव दिखाया जाता है किस कलर से? लाल। तो ये इन गुणों के क्या है? कलर है, सही है? क्लियर। और हर पदार्थ में ये तीन गुण होते हैं, कितने? तीन। रजस, सत्व, रजस, और क्या आपका? तमस। दैट्स अ गुण थ्योरी और इन फिलॉसफी कहते हैं, गुण सिद्धांत कहते हैं। सर आपके पहाड़ रहे हो क्योंकि सांख्य कहेगा कि प्रकृति में ही ये तीन क्या है? गुण। तो फिर आप वहां पर ऐ करते, तो अब नहीं करना है, ठीक है? तो मैं बैक पे जा रहा हूं और इसका पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, क्या विशेषता? कि प्रकृति में क्या पाया जाएगा? गुण। कितने गुण होते हैं आपके? तीन। उसको यहां पर समझाने की जरूरत नहीं है। हिंदी जानते हैं आप? अच्छा, गुण रहित सहित होता है ना, सही लिखा है मैंने? जिसमें गुण रहे, सही ना? और कौन से गुण? हाँ, मैं उतना ज्यादा जानता नहीं, फंस जाऊंगा नहीं, समझ जाओगे ना? कौन कौन से गुण? सत्व, रजस और क्या? तमस। और यहां पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको इन तीनों को डिफाइन नहीं करना है, ना नीड है क्वेश्चन की, ना आपके सिलेबस में कोई गुण सिद्धांत है। क्यों बताना पड़ा मेरे को? क्योंकि सांख्य कहता है कि प्रकृति में तीन गुण है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि तीन गुण कौन कौन से। तो सत्व गुण, रजस गुण और क्या आपका? तमस। अब हो गए पांच विशेषताएं किसकी? प्रकृति को। क्लियर है? ये गुण क्या है तो इसको समझिए अपने एग्जांपल से। सत्व गुण है पॉजिटिविटी, सकारात्मक का प्रतीक है ये, व्हाइट कलर है इसके लिए। जीवन में क्या होगा? प्रकाश होगा, ज्ञान मिलेगा और जीवन में सफल और एक महान व्यक्ति बनेंगे। क्लियर है? और जो तीसरा है तमस, ये इसका जस्ट क्या है आपका? उल्टा है। आप डाकू बनेंगे, चोर बनेंगे, देखो सफल हो सकते हैं गलत तरीकों से, पर अंत तक जेल जाओगे, सही है? और इन दोनों को जो एक्टिव करता है, जो क्रियाकारक है, उस भूमिका में कौन है आपका? रजत। तीनों के अलग अलग कलर है जो मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, ठीक है? फिर रिपीट, इसे एग्जाम में लिखना नहीं है ये, पर ये आपको पता होना चाहिए कि देखो जिसमें गुण होगा तभी तो चीजें बनेंगी जी। सब दुनिया, ये दुनिया किससे बनी है? प्रकृति से। तो गुण किसमें होने चाहिए? प्रकृति में, ठीक? इसलिए सांख्य ने माना कि प्रकृति में कितने गुण होते हैं आपके? तीन। कौन कौन से? बस ये जो गुण है ना, ये प्रकृति में साम्यावस्था में, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इन्हें ही अपने को बाहर लाना है। क्या करना है उसको? एक्टिव, सक्रिय। और वो करेगा कौन? सही है? कुछ समझ आया? चलिए अब इसको हम बनाते हैं डायग्राम के थ्रू। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल से दिखाई नहीं दूंगा मैं। क्लियर? सांख्य ने कभी भी ये आंसर नहीं दिया कि प्रकृति और पुरुष का संपर्क होगा कैसे, बस वो ये कहता है कि बस हो गया,
ठीक है, ये इसका डिमेरिट्स है, मतलब सबसे अधिक क्रिटिसाइज किया गया है सांख्य को कि उसने उस कंडीशन के बारे में नहीं बताया कि कब प्रकृति पुरुष का मिलन होगा, बस उसने ये कहा कि दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे, राइट, क्यों आएंगे ये बता देगा, वो कैसे आएंगे ये आंसर नहीं दिया, और क्यों ला रहा है दोनों को कॉन्टेक्ट में, क्योंकि चीजें बननी किससे है, प्रकृति से, सारे गुण भी किसमें है, प्रकृति में, पर उन गुणों को बाहर लाने के लिए क्या चाहिए अपने को, एक पुरुष, तो वो ले आया, सही है, ठीक है। तो सांख्य कहता है, आप ध्यान दीजिए, जब मैं कुछ बोलता हूं तो मैं अपने नाम से नहीं बोल रहा हूं, हाँ राइट, आप मेरा फिलॉसफी नहीं है, सही है, और घर जाके इसको फिर रिपीट करना, पंचायत नहीं करना, कैसे मिले होंगे नॉर्थ से आए कि ईस्ट से, ठीक है, चलिए मुलक मिला देते हैं, ठीक है। और संपर्क क्यों होगा ये आप बता सकते हैं, क्योंकि जो प्रकृति है इसमें कितने गुण हैं, आप देखिए, और ये गुण है तो किस अवस्था में है ये, ठीक है, तो किस अवस्था में है ये, इक्विलिब्रियम है, किस अवस्था में है ये, साम्यावस्था, ठीक, इनकी साम्य अवस्था को हमको ब्रेक करना है और उसे तोड़ने का कार्य करेगा कौन, पुरुष, राइट। फॉर एग्जांपल तालाब कौन, जब दोपहर के समय, मतलब जब सारा एक्टिविटी उसमें खत्म हो जाता है, तो आप देखिएगा दोपहर में जो तालाब है उसका पूरा पानी एकदम रुका हुआ रहता है, ये नदी नहीं है ना, मैं क्या लिया एग्जांपल में, तालाब, तो आपको ऐसा लगता है कि जो वाटर है, जल है, वो शांत हो गया है ना, स्टडी वाटर कहते हैं आप, पर ये आपको अच्छे से पता है कि वो जल कभी शांत नहीं होता, उसके जो अंदर जो मॉलिक्यूल है वाटर के वो तो मूव कर रहे हैं, पर वो आ गए हैं इक्विलिब्रियम क्या स्टेट में, विज्ञान आता है आपको, नहीं तो मैं समझाऊंगा कैसे आपको, जल की अणु आंतरिक गतिशीलता होती है उनमें, अंग्रेजी बोलने चक्कर में तुम दोनों बात सुनाते हो ना, जल अणु H2O2 सही ना, तो जब दोपहर में जब कोई एक्टिविटी नहीं होती तो आपको ऐसा लगता है कि जल निष्क्रिय हो गया है, एक्चुअल में वो निष्क्रिय नहीं है, एक्चुअल में उसके जो अणु है वो आ गए किस अवस्था में, साम्य अवस्था, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, एक पत्थर लेते हो और आपने फेंका, पत्थर में आपने फोर्स लगाया है ना, तो जैसे ही वो पत्थर तालाब के पानी के ऊपरी हिस्से में पड़ा, बताओ क्या करता है वो, जैसे वो फोर्स टकराता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, जल के जो अणु है, उनमें शुरू होता है वाइब्रेशन, कंपन कहते हैं इसको, और वो तोड़ देता है उस जल की अणुओं की किसको, साम्य अवस्था को, एंड देन डेवलप द वाटर वेव्स, और उससे बनती है वो जल क्या, तरंग, गोल गोल देखा होगा आपने, यही गड्ढा खोद के बताओ, समझ रहे हो ना, चले बुरा तालाब करने, तब बताइए, तो वो जो पत्थर है वो टकराया और वो सीधा जाके नीचे बैठ गया, जो भी वाटर वेव्स बना है वो बना तो पानी का ही है ना, कि पत्थर का बना है, तो पत्थर ने क्या किया, वहां पर सिर्फ उस इक्विलिब्रियम स्टेट को ब्रेक कर दिया, जो भी वो तरंग बनी है वो तरंग बनी किससे, पानी से, बस यही काम करेगा कौन, पुरुष, जस्ट लाइक अ स्टोन, वो उस पत्थर की भांति है जो सिर्फ टकराएगा, कॉन्टेक्ट में आएगा, और वो इस प्रकृति के गुणों में जो कौन सी अवस्था थी इसे वो तोड़ देगा, और जो कुछ भी बनना है फाइनली वो बनेगा किसके, प्रकृति से, क्लियर। तो पुरुष का कार्य सिर्फ इतना था कि जो गुणों में क्या आ चुकी थी, साम्य अवस्था, उसे तोड़ना, राइट, और उसे तोड़ दिया, क्योंकि पावर इसके पास है, ये चेतन है ना, सही है। तो पुरुष ने प्रकृति के संपर्क के आने पर क्या किया, उसने इस प्रकृति की जो साम्य अवस्था थी इसको डिसॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, हाँ। और अब यहां पर प्रकृति
राइट right? और इसीलिए ही तो सांख्य लेके आया था किसको, पुरुष को। तो पुरुष का कार्य क्या है, प्रकृति को क्या कर देना, एक्टिव। एक्टिव करने का मतलब जो गुणों में क्या चुका था, एक इक्विलिब्रियम, एक साम्यावस्था, उसे तोड़ देना। जैसे कि मैंने जब तालाब में क्या बनाया, जल तरंग बनाया, वाटर वेव्स, तो उसमें क्या भूमिका थी उस पत्थर की, सिर्फ उस साम्यावस्था को तोड़ना। वो जो भी तरंग बना है वो किससे बना है, पानी से बना है। पत्थर तो नीचे में होता है, बैठ जाता है। सेम यहां पर काम है किसका, पुरुष टू डिस्टर्ब, है ना, यानी यहां पर प्रकृति की साम्यावस्था को क्या करना है, यहां पर भंग। और प्रकृति किस अवस्था में आ गई है, एक्टिव स्टेट में, सही है। अब वो एक्टिव हो गई है तो अब धीरे धीरे अन्य तत्वों का क्या होगा, विकास। और मैंने आपको पहले बताया कुल कितने एलिमेंट निकालेगा, 25, राइट। यहां तक क्लियर है, तो क्या किया पुरुष, समझ आया, उसने प्रकृति के गुणों की साम्यावस्था को क्या कर दिया, भंग। प्रकृति को ले आया किस अवस्था में, ठीक, द रोल ऑफ पुरुष, क्लियर हुआ, टू डिस्टर्ब ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ क्या, गुणाज ऑफ क्या, प्रकृति, सही कर दिया उसने। अब जो काम के लिए आया था पुरुष वो हो चुका, अब उसकी भूमिका, उसका रोल क्यों गया, खत्म। अब जो कुछ भी बनना है, यानी तीसरा जो एलिमेंट आएगा वो आएगा किससे, फिर रिपीट करो, किससे आएगा वो, प्रकृति से। यहां तक क्लियर, अब आते हैं तीसरे एलिमेंट पर, इन दोनों के मिलन के पश्चात। हां, द फर्स्ट एलिमेंट ठीक क्या लिखा है, वो महत या क्या, बुद्धि। तो सांख्य का मानना है कि प्रकृति पुरुष के कॉन्टेक्ट से जो पहला एलिमेंट तत्व जो विकसित होता है प्रकृति से, वो है क्या, बुद्धि, इंटेलेक्ट कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं क्या, महत्व, संस्कृत वर्ड है ये। अब किसी की जरूरत नहीं है उसको, क्या हो चुका है वो, अब महत्व से, समझिएगा बात को, सांख्य कर क्या रहा है बताता हूं फिर मैं आपको। फिर वो कहता है कि इस महत्व से फिर अगला एलिमेंट आएगा और उसे सांख्य नाम देता है क्या, अहंकार। जब मैं की भावना आती ना, आई एम, तो फिर वही बुद्धि क्या बन जाती है, अहंकार। ये कौन सा एलिमेंट है, चौथा, जोड़ना ना, कहां तक पहुंचना है अपने को, 25 पे। और ये महत्व, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये सब विकसित किसके अंदर से हो रहे हैं, प्रकृति पर, स्टेप बाय स्टेप है, एक के बाद एक। इसलिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, विकासवाद का सिद्धांत है, यानी यहां पर हर चीजें एक किससे आएंगी, सिक्वेंस से, एक साथ सब कुछ बनने वाला है। चलो यहां तक हुआ, तो प्रकृति पुरुष मिले, सही है, हो गया ये एक्टिव, कौन एक्टिव हुआ यहां पर, प्रकृति। सबसे पहले क्या बना, महत्व या बुद्धि, बुद्धि में आया मैं का भाव, तो यही बुद्धि से क्या बना आपका, अहंकार। फिर अहंकार की होती है तीन कैटेगरी, ठीक है, मैं इसको नीचे ले आऊंगा, ठीक है। याद है तीन गुण, बस चिपका दो यहां पर। हाँ, ये हो जाएगा सत्व अहंकार, ये क्या था, और ये, तो ये अहंकार के तीन कैटेगरी है। मैं फिर रिपीट कर लूंगा, ये तत्व नहीं है, राइट, इनको आप चार पांच छह मत बोलना, वो आ रहा हूं, चला रहा हूं। तो पहला प्रकृति, दूसरा क्या, पुरुष, तीसरा, चौथा, इनको पांच छह सात नहीं कहना, ये अहंकार के तीन कैटेगरीज है, और ये वही है जो तीन गुण थे,
और ये तीनों गुण किसमें थे? प्रकृति में। इसलिए अहंकार के तीन टाइप्स हो गए, और वही है आपका सत्व अहंकार, रजस, और क्या आपका तमस। अब जो भी बनेगा फर्दर वो बनेगा आपका सत्व अहंकार से, वो बनेगा किससे? आपके तमस से। और क्या क्या बनेगा उसको देखिए, मुझे एक ही फ्रेम में चाहिए इसलिए मैं छोटा कर दे रहा हूं उसको, ठीक है, सही है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू सांख्य वो बताएगा आपको कि अब ये जो सत्व अहंकार है इससे टोटल 11 तत्व बनेंगे, कितने? ठीक है, कौन कौन से में देखिएगा, और इसका उत्तर आप ही दीजिएगा। एकदम पहला है मेरे क्लास का 5 सेंस ऑर्गन्स, और वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख लेंगे ना आंख का नाम, हाँ, पर एग्जाम में लिखना है ना। हे भैया लिख देता हूं, रहने दो, बोलो सर ने आधा लिखा पर मैं सैलरी कट गई, लो और क्या। ये 5 होते हैं, तो ये 5 का विकास होगा किस अहंकार से? ये कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रिया, द 5 सेंस ऑर्गन्स, राइट। अब ये क्या होता है इसको मैं लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे। हाथ पैर, अब ये भी तो ऑर्गन है क्या? हाँ, पर इससे ज्ञान नहीं, इससे आप एक्शन करते हैं, अरे काम करते हैं ना, मोशन करते हैं ना, इसलिए इनको मोटर ऑर्गन्स कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं क्या, काम, जिसे काम किया जाए, हाथ पैर मुंह, किससे औरतें काम लेती हैं, अरे आग लगाना है किसे लगाते हैं तो काम हो ना, सही है, सॉरी ना, बुरा नहीं मानेंगे, वो हो रहे थे बच्चे लोग, ठीक है, जिसको बुरा लगता है मत आए भाई कल से, क्या कर सकते हैं, अरे ये समझ है ना। उत्सर्जन नलिका और आपके जनन क्या अंग, ये हो गए 5 क्या काम इंद्रिया, राइट। तो 5 और 5 10, और ये है 11वां, क्या लिखा है मैंने, माइंड, ठीक है, नहीं दिख रहा ऊपर कर देते थोड़ा सा, यहां से समझ आएगा ना आपको, है ना। देखिए तो सत्व अहंकार से टोटल 11 एलिमेंट्स हैं और ये एक साथ आ रहे हैं, क्रम से नहीं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 काम इंद्रिया और एक है 11th कौन, मन। तो 5, 5, 10 और 1, 11, यहां तक क्लियर, और शायद इन सबको आप जान रहे हैं, ये वो जिससे आप, ये वो साइंस जिससे आप ज्ञान लेते हो, जिससे आप काम करते हो, एक्शन करते हो, और मन मैंने पहले बताया था हमारा 6th सेंस है, ये हमारी क्या है, ये 6th इंद्रिय, और इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है कौन से अहंकार से, सत्व अहंकार से, हो गया।
अब आते हैं किस पे, तमस। याद रखिएगा जो बीच वाला है वो किसी प्रकार का कोई भी एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। कौन सा वाला, वो सिर्फ एक्टिव करता है। अब जो तमस अहंकार है, अब इससे क्या क्या निकलेगा इसको देखिए, है ना, ध्यान देना है, यही आपको सबसे नया मिलेगा। चलिए पढ़ी क्या लिखा मैंने, तन मंत्राएं, इंग्लिश में भी तन मंत्रास कहेगा वो, ठीक है। अब सर ये कौन सा नया आइटम आ गया, है ना, सही है। अच्छा ये पाठ जानते हो आप, वैसे तो मैं इसको पहले लिख नहीं रहा था, सही है। फिर ये मान लो तुमने बहुत गर्व करके मैं लिखा नहीं, उसका कुछ कारण था। चलो आंख से आप कौन सा ज्ञान, कौन सा सेंस लेते हैं, अरे तो क्या देखते हो बे, दृश्य, रूप बोलते हैं, रूप, विजन, कलर, सही ना, एकदम विस्मय बोधी आंखों से देखते हो, हे राम कैसा वर्ड है ये, गधों। अच्छा अब सही है, विजन है ना, दृश्य, सही है, ठीक है। नाक से थोड़ा हिंदी बोलो रे, स्मेल, गुड और बैड डिपेंड ऑन यू। कान, साउंड, वेरी गुड। त्वचा, स्पर्श, मतलब टच, टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिलहाल आपकी कथा अनुसार स्पर्श परफेक्ट, एक्चुअली इसमें आप बताते हो क्या, टेम्परेचर। एंड लास्ट टेस्ट, ये जो मैंने पाठ लिखा है क्या जीवन में पहली बार पढ़े, हाँ कीटा सब जानते थे, बस यही पांच हैं क्या, वो तन मंत्र है, डरा दिया। तो कि काम करना पहले ये पांच लिखना, इसलिए नहीं कि मुझे याद है, इसलिए कि इसी पांच से निकाल देना उस पांच सेंस को। तो यही पांच को सांख्य ने नाम दिया है क्या, तन मंत्रास, राइट, एकदम नया नहीं है ये, फिर रिपीट कर दे जो चीज आप इनसे जानते हो, सही है। आप बेसिकली कलर पर आइडेंटिफाई करते हैं, रंग, रूप, आकार, इसी प्रकार कान से स्मेल, गंध, इसी प्रकार कान से साउंड, शब्द, त्वचा से क्या, फील, एहसास, कह रहे थे आप लोग। अब मैं कहीं और जाना नहीं चाहता, मेरे को पहले कंप्लीट करने दो, उसके बाद बात करूंगा मैं। जी या नया है ये, नहीं, यही पांच क्या कहलाती है, तन मंत्र, याद कर लेंगे इसको, लॉजिक मत लगाना घर जाकर, सही है। और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने 25 कहा था, अब क्या करेगा वो सांख्य, इन पांच से ध्यान देंगे, एरो आ रहा एरो, इसका मतलब इसके बाद आएगा ये जो 11 है ये एक साथ है, यहां पर ये पहले पांच बने तन मंत्र, कोई नया नहीं है, यही पांच का फंक्शन है। अब इन पांच से मैं बनाऊंगा नेक्स्ट 5 और मेरी गिनती का 25 पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट 5 पर एरो के साथ है, मतलब पहले ये आएंगे फिर ये पांचों मिलेंगे, अलग अलग बनाएंगे कॉम्पोजिशन और इससे बनेंगे नए पांच एलिमेंट, इन्हें कहते हैं फिलॉसफी में ग्रॉस एलिमेंट, हिंदी में कहते हैं पंच महाभूत, ये नाम सुने होंगे आपने। क्या कहते हैं इसको, महाभूत। हमारी इंडियन फिलॉसफी में पूरी दुनिया बनी है पांच महाभूत से, द 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, और वो है अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती, पृथ्वी। तो ये वही पांच हैं जिसे हम कहते हैं क्या, महाभूत, और इसी महाभूत से बने हैं हमारे कौन, आप रिहित ले आया कौन आपको सांख्य,
सही है। तो पंचभूत कौन कौन से हैं ये आप जानते हैं, फिर भी हम लोग एक बार लिख देते हैं वो। जान रहे आप, अग्नि, वायु, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं साइन लिख रहा हूं, ठीक है, पृथ्वी, बिल्कुल सही है, और क्या आपका आकाश। तो इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में, ये पूरा संसार बना है पांच तत्वों से। अब चूंकि पूरा बना है इसलिए इसको कहते हैं मूल तत्व, ग्रॉस एलिमेंट, पंचमहाभूत, और वो पंचमहाभूत है ये पांच। पर सांख्य ने आपको ये बताया कि ये पांच किससे बने हैं। अब उल्टा जा रहे हैं अपन, एक मिनट में एक फ्रेम में आना चाहिए, जस्ट सेकेंड। नहीं आएगा यार, आ गया। अब आराम से देखिए, सब कुछ दिखना नहीं है, उल्टा जाते हैं, ठीक है। हम और आप किससे बने हैं, महाभूत से। कितने महाभूत है ये, पांच। दुनिया का हर चीज बना है इस पंच महाभूत से। ये पंच महाभूत किससे बने हैं, पांच तन मंत्र। ये पांच तन मंत्र किसका हिस्सा है, ये तमस अहंकार किससे बना है, ये बुद्धि किससे बनी है। यही तो बोल रहा था सांख्य कि पूरी दुनिया का विकास किससे हुआ है, प्रकृति से। द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड वो है कौन, प्रकृति। तो आप उल्टा जाए चाहे सीधा उत्तर दे दिया। और अगर 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 वो ये नहीं माना होता कि प्रकृति पहले से है तो फिर हम प्रकृति का विकास ढूंढते कारण, सही ना। हमने बोला भाई हम किससे बने हैं, तो आपने उत्तर दिया इस पास से। फिर आप पूछते ये पांच किससे बने हैं, तो उसने उत्तर दिया पांच क्या, तन्मंत्राओं से। ये तन्मंत्राएं किससे बनी है, तमस अहंकार से। ये अहंकार किससे आया, बुद्धि से। अब बुद्धि कहां से आई, कुछ समझ आया। अगर आपके पास है क्या ये, तो समझ आया। और अगर नहीं है तो फिर आपको जरूरत होगी पुरुष की जो आपको कहे सक्री नहीं आया समझ। एक तो सांख्यिक के अनुसार इस जगत का निर्माण पांच तत्वों से हुआ है। वो पांच तत्व है दिस वन, राइट। पर ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था, विकासवाद का सिद्धांत, वो शुरू हुआ था पहले तत्व किससे, प्रकृति से। और जो कुछ भी हमने बनाए हैं 23 पुरुष को छोड़कर, सही ना, वो सारे के सारे निकले किसके अंदर से है, प्रकृति से। पहले क्या निकला, बुद्धि, देन आफ्टर अहंकार, फिर तीन कैटेगरी, फिर पहले कैटेगरी से निकले 11 और तीसरे से निकले आपके 10। तो 11 और 10 21, ऊपर के 4 हाँ अगर पुरुष को हटा दोगे तो 24, अदरवाइज 25। कुछ समझ आया, आया। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, स्टिल यंग है, तो भी आपको चीजें समझ आ गई, काम हो गया, समझ आया। अब बोलेगा कि अब जो हम और आप है वो बने हैं किससे, महाभूत से। 5 ग्रॉस एलिमेंट, इंग्लिश में भी उसको महाभूत लिखेगा वो, राइट। आप सब हिंदू होंगे या आसपास के होंगे, तो हमारे में जलाया जाता है ना, दाह संस्कार है। क्या रीजन है कि हमारा शरीर बना है पंच महाभूत से, तो मरणोपरांत वो विलीन हो जाता है किसमें, उन्हीं पंच महाभूत में। इसलिए आप जलाते हो, हा कि ना, पृथ्वी को स्पर्श करते हुए वो चिताग्नि बनती है, छत में नहीं फूंक देते, सही ना, हा कि ना है। आकाश के नीचे बंद कमरे में नहीं गए और बिना ऑक्सीजन के तार लगी नहीं, और जब जल जाता है तो अस्थियों का होता है विसर्जन, कहां पर वो अंकुलाश है ना, तब ये माना जाता है कि वो जो शरीर था वो पंच तत्व में क्या हो गया, विलीन। ये तो जानते होंगे, तो ये तो हम भी जानते थे, पर ये पंच तत्व किससे बने, ये आपको बताया किसने, सांख्य। और ये एक के बाद एक लाया, इसलिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं, ये विकासवाद का सिद्धांत। तो आपके स्टार्स दिए गए, 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रकृति,
पुरुष, और सांख्य का कौन सा वाद? विकासवाद, जिसका जो तत्व मीमांसा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए सांख्य दर्शन के जगत उत्पत्ति के सिद्धांत को क्या कहा गया है? आप समझ आए विकासवाद क्यों? एक के बाद एक, क्लियर?